मित्रों एक मित्र ने प्रश्न किया है कि जो 32 नामावली है उसका जाप क्या हम रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कर सकते हैं, उसका जाप क्या हम अपनी रिलेशनशिप में आई हुई नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार से 32 नामावली जो है वो हमारे कष्टों को नाश कर सकती है और वो जो रिलेशनशिप में गैप्स हैं, नेगेटिविटी है, चाहे वो किसी भी कारण से है, वो दूर हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि नेगेटिविटी किसी भी प्रकार की हो, 32 नामावली को समझना होगा हमें। मैंने पहले भी 32 नामावली पे वीडियो बनाई है, आप देखें, मैंने काफी डिटेल में उसके बारे में बताया है। तो जो मित्रों ने नहीं देखी है, मैं उसका लिंक जो है वो इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। अब 32 नामावली क्या, 32 नामावली जो है वो आपके कष्टों का नाश कर सकती है। 32 नामावली को बोला जाता है घोर से घोर कष्ट को नाश करने वाली, चाहे वो रिलेशनशिप का है। यदि किन्हीं कारणों से जीवन में नेगेटिविटी आ गई है, तलाक जैसी स्थिति आ गई है, या फिर रिलेशनशिप टूटने के कगार पर आ गया है, या फिर किसी भी प्रकार की, चाहे वो भाई बहन का है, बाप बेटे का है, बाप बेटी का है, या फिर किसी भी प्रकार का रिलेशन है, यदि हम 32 नामावली का विधिवत पाठ करते हैं तो डेफिनेटली उसमें हेल्प मिलती है। दुर्गा दुर्गार्ती शमनी, दुर्गा पद्मनिवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, है ना। तो ये 32 नाम जो हैं, ये अपने आप में इस दुर्गम से दुर्गम स्थिति परिस्थिति को नाश करने वाले हैं, सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं और एक रिजुवनेशन लाने वाले हैं। अब कई रिलेशंस में क्या होता है कि किसी के पास वो जाते हैं तो वो कह देते हैं कि भी आप पे तंत्र हुआ है, आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ गया है, या आप में विद्वेषण हो गया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब कई स्थितियों में ऐसा होता भी है और कई स्थितियों में नहीं भी होता है, ऐसे ही कह दिया जाता है। तो स्थिति कोई भी है, परिस्थिति कोई भी है, आप इसका जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। अब कितना किया जाए, कम से कम 11 रोज दैनिक, या तीनों टाइम कम से कम 11, नहीं तो 21, नहीं तो 51, या फिर 108। अब 108 में आपको 2 घंटे के करीब लग जाते हैं और 11 में कुछ समय लगता है, 21 में उससे ज्यादा लगता है, 51 में उससे ज्यादा लगता है। तो ये आप पे निर्भर करता है आप कितना समय दे सकते हैं। पहली बात, ये बहुत उग्र ऊर्जा है, ये बात दिमाग में रखिएगा, जो दुर्गम से दुर्गम परिस्थिति को नाश करने वाले ये जो 32 नाम है, इसके कारण आपके अंदर कुछ थोड़े से उग्रता काइंड ऑफ फीलिंग, या फिर उच्चाटन काइंड ऑफ फीलिंग, जैसे मन उचाट हो जाना, या किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति आती है तो साथ में आप महामृत्युंजय मंत्र कर लें, और या फिर श्रीम बीज मंत्र, या फिर प्राणायाम कर लें, ताकि आपका मानसिक संतुलन बिगड़े नहीं, आप उस प्राण को अपने अंदर अवस्थित कर सकें, व्यवस्थित कर सकें। तो ये 32 नामावली डेफिनेटली आपके जीवन में सभी प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों में, आपकी दुर्गम से दुर्गम स्थितियों में परिस्थितियों में नाश करने वाली है आपके सभी कष्टों का। और असुर स्वरूपी जो भी कुछ आपके जीवन में है उसका विध्वंस करती है 32 नामावली। ये मेरे खुद के देखे हुए एक्सपीरियंसेस हैं। मैं आपको क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं, तो मैंने बहुत सारे केसेस को हैंडल किया है लाइफ में, और मैंने देखा है कि 32 नामावली जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम उसको बोल देते हैं कि तुम 32 नामावली का साथ में पाठ करो, तो बहुत ही जबरदस्त इसका प्रभाव आता है। कई बार आपके पास जो है वो इतने साधन संसाधन नहीं होते कि आप किसी भी प्रकार की पूजा वूजा में जा सकें, या कोई चीज खरीद सकें, या कुछ भी, तो आप अगर साधक हैं तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। परंतु एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि उग्रता इससे आती है आपके अंदर, और थोड़ी स्लीपलेसनेस, थोड़ी, क्योंकि ये उग्र है, थोड़ा तेज है, आपके अंदर तेजी आती है, उस तेजी को शांत करने के लिए आप प्राणायाम करें साथ में, और इसको करते हुए नेगेटिव विचार जो है वो मन में मत लाइए, बिल्कुल मत लाइए, किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचिए। और हां, अगर आप इसका प्रयोग किसी के नेगेटिव के लिए कर रहे हैं तो आपका ही नुकसान होगा, ये याद रखिएगा। तो आप अपने जीवन के उत्थान के लिए डेफिनेटली इसे प्रयोग कर सकते हैं।